हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लड प्यूरीफायर कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल काम की नॉलेज। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। ब्लड प्यूरीफायर कैप्सूल को सिपजर कंपनी द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन से कंटेंट पड़े होते हैं जिससे मिलाकर इसे बनाया जाता है। इसमें हल्दी, पोस्ट नीम, बर्ग रेहान, अमल्टस, बबची, गिलोय, चिरैता तलख, इन सभी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से मिलाकर ब्लड प्यूरीफायर कैप्सूल को बनाया जाता है। अब बात करते हैं सिपजर ब्लड प्यूरीफायर कैप्सूल का इस्तेमाल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि मुहासे, फोड़े, एक्जिमा और खुजली। इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। सिपजर ब्लड प्यूरीफायर कैप्सूल खून, पेट और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सिपजर ब्लड प्यूरीफायर कैप्सूल ब्लड शोधक प्रक्रिया, शरीर के जल संतुलन और तापमान को सही करने में मदद करता है। सिपजर ब्लड प्यूरीफायर कैप्सूल ऑक्सीजन को ब्लड के जरिए फेफड़ों में आसानी से पहुंचा देता है। सिपजर ब्लड प्यूरीफायर कैप्सूल को मेन रूप से रक्त शोधक के रूप में जाना जाता है। सिपजर ब्लड प्यूरीफायर शरीर से न केवल विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है, बल्कि खून को साफ करके ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। सिपजर ब्लड प्यूरीफायर कैप्सूल आपके खून को साफ करके आपके फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है और यह ब्लड से जहरीले टॉक्सिस को भी बाहर निकालने में मदद करता है। अब बात करते हैं इस कैप्सूल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यह कैप्सूल आयुर्वेदिक कंटेंटों से मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इस कैप्सूल की डोज किस तरीके से लेनी होती है। एक अडल्ट व्यक्ति दिन में एक बार एक कैप्सूल या फिर दिन में दो बार एक एक कैप्सूल खाना खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी से यूज कर सकता है। अब बात करते हैं इस कैप्सूल को किस तरीके से खरीद सकते हैं। इस कैप्सूल को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और किसी मेडिसिन से रिलेटिव आपका कोई सवाल है तब आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।